नमस्कार आदाब, न्यूज 5 AM जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नजर डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। जमशेदपुर लोकल ट्रेलर ओनर यूनियन ने टाटा कंपनी प्रबंधन के अधिकारियों पर मनमाना रवैया अपनाने का आरोप लगाया है और इसके खिलाफ आंदोलन की चेतावनी भी दी है। इनके द्वारा शुक्रवार को कंपनी के बर्मा माइंस पार्किंग गेट पर जोरदार सांकेतिक प्रदर्शन किया गया, जिसमें कंपनी प्रबंधन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की गई। वहीं इसके बाद यूनियन के तमाम पदाधिकारियों ने एक बैठक यूनियन कार्यालय में किया। यूनियन के अध्यक्ष जयकिशोर सिंह ने बताया कि सरकारी नियमों के तहत ट्रेलर का रजिस्ट्रेशन 15 वर्षों के लिए मान्य होता है, जबकि टाटा कंपनी प्रबंधन ने इसे दरकिनार कर 10 वर्षों का नियम लागू कर दिया है। यानी जिन वाहनों की उम्र 10 वर्ष हो चुकी है उसे कंपनी में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही है और इसी का विरोध यूनियन कर रही है। उन्होंने बताया कि कंपनी प्रबंधन सरकारी नियमों को ताक पर रखकर अपनी मनमानी कर रही है और ट्रेलर मालिकों के दमन का प्रयास कर रही है, जिसका विरोध इनके द्वारा किया जा रहा है। इन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कंपनी प्रबंधन इनके मांगों पर सोमवार तक गौर नहीं करती है तो मंगलवार से इनके द्वारा कंपनी पार्किंग गेट को अनिश्चितकालीन बंद कर दिया जाएगा और उस पर भी बात बनी नहीं तो इन्होंने सामूहिक रूप से आत्मदाह करने की भी चेतावनी दी है। हम लोग सभी गाड़ी मालिक के साथ बैठक हुआ, जो हम लोग गाड़ी आज करीब करीब 150 गाड़ी से ऊपर खड़ी है। कारण ये है कि टाटा स्टील और ट्रांसपोर्ट वेंडर का मिली भगत से हम लोग गाड़ी बाहर कर दिया जा रहा है, ताकि हम लोग गाड़ी जो 10 साल पार हो गया है, 10 साल एक दिन भी हो जा रहा है तो हम लोग गाड़ी लिया नहीं जा रहा है। कारण यह है कि अब आपका गाड़ी नहीं चलेगा। भारत सरकार, झारखंड सरकार हम लोग से बाकायदे टैक्स लेता है, परमिट लेता है, हर कुछ लेता है, लेकिन वो ये रूप कहना है कि आपका गाड़ी 10 साल हो गया, अब गाड़ी आपका नहीं चलेगा। और दूसरी बात यह है कि वेंडर का गाड़ी हर बार ये लोग 15-20 ऑन व्हीकल में गाड़ी खींचते हैं, उनका गाड़ी बढ़ जा रहा है तो हम लोग का गाड़ी बाहर होगा तो हम लोग तो रोजी रोजगार चलेगा नहीं। इसी कारण को लेकर आज हम लोग बैठक हुआ। बैठक होने के बाद इतना गाड़ी बेरोजगार हो गया है तो कैसे चलेगा, तो हम लोग का 5-6 बिंदु पर बात हुआ, जिसमें पहला 15 साल का मुद्दा है, जो हम लोग 15 साल गाड़ी सरकार देती है वो हम टाटा स्टील भी दे। दूसरा मुद्दा ये है कि रेट हम लोग लोकल का डिसाइड किए आपसी बैठक में, 240 रुपये लोकल का, गमरिया का 310 रुपया और ब्लेड का रेट है 330 रुपया, ये रेट को तय हुआ। इसके बाद जो आज के डेट में ऑन व्हीकल में गाड़ी ले रही है टाटा स्टील, उसको बंद कराने के लिए ऑन व्हीकल में गाड़ी नहीं लेना, नया गाड़ी लेना आपको लीजिए नॉर्मल, और हम बैटरी गाड़ी जो है, जो आप बैटरी गाड़ी चलाना चाहते हैं वो हम लोग को दीजिए ना, हम लोग चलवाएंगे। और दूसरी बात क्या है, टाटा स्टील को हम लोग बोले, जबकि पेपर फेल है आपका, पेपर हम लोग का जो 10 साल पार हो गया है तो कैसे चलेगा, तो उन्होंने कहना है कि अब हम लोग, हमारा कंपनी का नियम है चलेगा इसे, तो हम लोग आपका कंपनी का नियम से जो टिप टेलर है।